नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डेवलपर देव और आप देख रहे हैं मेरी चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ रेडमी नोट 4 में। अपने अपडेट के बाद ये नया अपडेट आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा अपडेट आया है। मैंने ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ मैं इसको, मैं ये अपडेट को यूज़ भी कर रहा हूँ, करीबन 1 महीना हो गया है। और पहले अपडेट बोल देता हूँ, अपडेट है MIUI 8.2.10.0 स्टेबल वर्जन है। और इसमें कुछ मैं बता देता हूँ व्हाट्स में क्या है। व्हाट्स में कुछ सिस्टम में अपडेट्स है, लॉक स्क्रीन स्टेटस पर नोटिफिकेशन बार में अपडेट है, गैलरी में अपडेट है, अदर में वेटर वोल्टेज सपोर्ट और ये। मैं जो अब बता रहा हूँ आपको जो प्रॉब्लम फेस आ रहा है, आपने उसे बहुत सारे यूजर्स को भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी। नहीं, रेडमी नोट 4 में ग्लोबल, ये तो रेड स्नैपड्रैगन का वाला वर्जन है, इंडियन वेरिएंट ही है, 4 GB 64 GB वाला। अगर आप रेडमी 4 यूज़ कर रहे हो, MI4A यूज़ कर रहे हो, MI4i यूज़ कर रहे हो, रेडमी नोट 3 यूज़ कर रहे हो, कौन सा रहेगा, MI4, ये सब जो फ़ोन्स है, ये अपडेट जो नया लेटेस्ट आया है अभी, इसमें सब में एक कॉमन बग जो आ गया है वो है हेडफोन्स बग। अभी हेडफोन्स बग क्या है मैं आपको बताता हूँ। हेडफोन बग्स क्या आता है कि जब आप हेडफोन कनेक्ट करते हो तब तो ये बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, ये फ़ोन में है सब, कोई भी फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्वियसली हेडफोन्स तो क्या कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। अब जब आप हेडफोन्स को रिमूव करते हो, मतलब कि आप अपने यूट्यूब के वीडियो देख लिए, म्यूजिक सुन लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जब आप हेडफोन्स निकालते हो तो प्रॉब्लम ये आता है कि हेडफोन तो निकल जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो सिंबल होता है ना, हेडफोन का सिंबल दिखाते हैं, वो नहीं जाता। वो सबसे मुझे तो बहुत प्रॉब्लम लगता है इससे, इसलिए मैंने तो जब मैंने अपडेट किया उसके 10 से 12 दिन के बाद मुझे ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मैंने 1 मंथ में इसका टेम्पररी सॉल्यूशन निकाल दिया है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यही फ़ोन में मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरा वीडियो ज़रूर से करना। मैं ऐसे वीडियो हर दिन लाता रहता हूँ, नहीं हर दिन तो नहीं बोल सकते, एवरी मंथ 1 या 2 वीडियोस में लाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। अभी अभी भी देख सकते हो रात के 10:30 बज चुके हैं, मैं अभी टाइम मिला है, अभी मैं वीडियो आपको बना के शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बात करता हूँ इस प्रॉब्लम की। अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मेरा तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ कि मेरा फ़ोन कोई भी रूटेड या डिवाइस कुछ भी नहीं है। आप मैं देख सकते हो कहीं भी मेरा सुपर फोन नहीं दिखेगा, रूटेड भी नहीं है। वैसे तो रूट करने की क्या ज़रूरत भी है, रेडमी के फ़ोन सब देते ही है, क्यों नहीं, क्यों जी। चलिए तो मैं बताता हूँ क्या करता है, क्या करना है आपको। अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके साउंड एंड वाइब्रेशन में, ये अब ऑडियो डिवाइस है, सॉरी ऑडियो सेटिंग्स है, ऑडियो सेटिंग्स में जाके अगर आप MI साउंड एनहेंसर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे अच्छे दिए ही है उसके उसके ऑप्शन। और ये माइक कैप्सूल नया ऐड हुआ है MIUI 8 के फर्स्ट अपडेट में हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो, पता नहीं हुआ होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो ज़रूर से यूज़ करना, ये बहुत अच्छा है। उससे मैं तो रिकमेंड करूँगा, एक MI हेडफोन्स है और एक MI ईयरबड्स है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर से ट्राई करना। हाई बीट्स वाले सॉन्ग हो तो उससे यूज़ करना। तो आपको क्या करना है, अगर आप अगर यूज़ नहीं कर रहे तो, और ये हेडफोन का सिंबल स्टक हो जाए तो आपको फिर से हेडफोन लगाना है, जो आप यूज़ करते थे वही लगाना है। दूसरे से भी हो जाएगा लेकिन कुछ हो भी सकता है कि नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन जो आप हेडफोन यूज़ करते हो और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये वही हेडफोन फिर से डालना है। और ये ऑन नहीं है तो आपको फिर से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको, अब देखिए दोस्तों, हर एक फ़ोन की आइडेंटिटी अलग होती है, तो मेरे फ़ोन में MI हेडफोन्स का सॉल्यूशन आता है, मतलब कि मैं ये दबाता हूँ तो मेरे में वर्क होता है, मतलब कि ये सिंबल हट जाता है। मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है, पहले ये समझ लेना कि हर एक फ़ोन की आइडेंटिटी अलग होती है, मतलब कि कोई फ़ोन में MI पिस्टन वर्क करेगा, MI पिस्टन 2, MI ईयरफोन। मैं ये तो बता ही देता हूँ कि इसमें जो जितने दिए हैं ना, ये सब ये जनरल हेडफोन्स जो सब भी है, वो सभी किसी ना किसी फ़ोन में तो चल ही जाएंगे, सबके फ़ोन में कोई एक तो चलता ही है इस सॉल्यूशन के लिए। सो अभी मेरे लिए मेरे फ़ोन में MI हेडफोन्स चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब ये ऑन करो आप, तो हेडफोन्स लगा के आपने ऑन कर दिया, उसके बाद अगर आप फिर से निकाल दो हेडफोन्स को, अगर वो सिंबल फिर से भी नहीं जाता है तो फिर से लगाओ और आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ट्राई करो, मतलब कि जनरल दबाइए, जनरल इंडियर, आई ईयरबड्स, एक दबाइए निकालिए,
बाद में दूसरी बार लगाइए, ये दबा जनरल ईयर दबाइए, फिर से निकाल लिए। अगर सपोज कि मैंने एम आई हेडफोन्स दबाया, ओके, और अब मैंने हेडफोन निकाल लिया तो सिंबल चला गया तो हो जाएगा सॉल्यूशन, यही इसका सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन तो यही है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं आ सकता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बग है। इसलिए कंपनी जब तक नया अपडेट इसका नहीं देती है तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए आप ये कर सकते हो कि हेडफोन लगा के बाद आपको इसी में से कोई भी एक ट्राई करना है, या सब ट्राई करके देख लेना है, जिसमें आपका चल जाए वो आपको याद रखना है बाद में, बस यही इसका सॉल्यूशन है। और इसके अगर आपको परेशानी नहीं होती है हेडफोन के सिंबल से तो अच्छी बात है, कोई ये जरूरत नहीं है करने की। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ क्या होते हैं। अगर आपका हेडफोन्स का सिंबल स्टक हो जाएगा तो आपके आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं चलेगा, ये पहले पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद सेंसर्स में ग्रेविटी और मैग्नेटोमीटर सेंसर नहीं चलेगा, ये दोनों थोड़ी हिचकिचाहट वाली बात है। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो अपना मेन है, क्योंकि आप जब कॉल करोगे तो कॉल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं चलेगा तो क्या करोगे आप, लाइट तो जाएगी नहीं और फोन कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको मालूम ही है। कान पे रखते हो तब स्वेटिंग भी बहुत होता है, आजकल तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है। सो एनी वे दिस इज दी है सॉल्यूशन, इसका टेम्पररी सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके लिए कौन सा चल रहा है, और कौन से फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, और कौन से फ़ोन में ये कौन सा वर्क कर रहा है, मतलब कि कौन सा हेडफोन्स वर्क कर रहा है। तो मैं जो यूजर्स हैं मेरे तो उनको मैं कमेंट्स में लिख सकूँ कि ये फ़ोन के लिए यही आप ट्राई करें, ये फ़ोन में यही ट्रैक करिए, यही ट्राई करिए। सो यही है सॉल्यूशन, इसको टेम्पररी आप ज़रूर से ट्राई करना। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरे वीडियो में कोई क्या बोलते हैं उसको ड्रॉबैक्स लगे हो कि क्या नया करना है, कि क्या ऐड करना है, कि मेरे स्पीच में क्या प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ट्राई करूँगा, ज़रूर से मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में ये तो हो गया हेडफोन सॉल्यूशन ये। और हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि कोई भी फ़ोन में, एमआई के कोई भी फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये खाली ये सिर्फ अपने क्या बोलते हैं एम आई यू आई के ही फ़ोन चलेंगे, एम आई यू आई ग्लोबल और लेवल ऑफ रोम कोई भी हो, एम आई यू आई के रोम्स में ही चलेंगे। अगर आप कस्टम रोम्स में चल रहे हो तो कस्टम रोम के लिए ये उसका क्या बोलते हैं स्टेप्स अलग है, मैं स्टेप्स भी आपको बताता हूँ, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्या करना है। अगर आपका ये प्रॉब्लम आता है कोई भी फ़ोन में तो आपको फैक्ट्री रिसेट मारना पड़ेगा, और डेलविक कैची होती है ना जो आपको सॉरी आज मुझे उड़कर बहुत आ रहा है। एनीवे आपको क्या करना है, आपको फैक्ट्री रिसेट मारना है फ़ोन को, और डेलविक कैची को डिलीट करना है, और फोन का बूट होने देना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको पूरी की पूरी रोम फिर से फ्लैश करनी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, एम आई यू आई में भी अगर इसमें से कोई भी ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसमें से कोई तो चल ही जाएगा, अगर तो भी नहीं चलता है तो आपको फैक्ट्री रिसेट मारना पड़ेगा, क्लीन वाइप करना पड़ेगा एम आई यू आई को भी, अगर आप एम आई यू आई में रन कर रहे हो तो। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको सर्विस सेंटर से बात कर लेनी चाहिए, आपके फ़ोन में डिफेक्टिव डिफेक्टिव पीस है आपके, तो आपको सर्विस सेंटर से बात कर लेनी चाहिए। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं रिव्यू अपडेट की, तो रिव्यू अपडेट में एम आई यू आई 9 जो आ रहा है, आपका आपको पता ही होगा, आपका एम आई के फोन सब यूज करते हो, तो एम आई यू आई 9 का बीटा अपडेट तो 1 मंथ पहले ही आ गया था। आई एम सो सॉरी, मुझे तो अपडेट मिला था लेकिन मैं करके रिव्यू आपको नहीं बता पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। और अब जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट आ रहा है वो है 19 अगस्त 2017 को एम आई यू आई 9 का एंड्रॉयड नॉगट बेस्ड रोम्स आ रहा है। और आपको मैं डिवाइस भी बता देता हूँ, डिवाइस कौन से होंगे, रेडमी नोट 4 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही है, स्नैपड्रैगन वाला है, ग्लोबल वर्जन इंडियन वेरियंट है उसमें आएगा। उसके बाद जो अब मैं प्रीमियम फ़ोन की बात करूँ तो प्रीमियम में MI5 है, MI5S है, MI5S+, MI Max, MI Max 2, MI Mix। उसके बाद लो बजट में आते हैं 20,000 के अंदर या 15,000 के अंदर, तो उसमें रेडमी नोट 4 है, रेडमी नोट 3 है, रेडमी 4 है, MI4A में भी आ सकता है, MI4A में भी मे भी आ सकता है, मैं श्योर नहीं कर सकता है, MI4 में आएगा।
तो इतने फोन्स में मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कौन से फोन आ रहा है, और उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाना मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन से फोन्स अवेलेबल आते हैं। तो ये है रिव्यू अपडेट। और हाँ दोस्तों, जब जब मेरे पास MIUI 9 का अपडेट आ जाएगा, मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा जो नया फीचर्स क्या आ रहे हैं MIUI 9 में। तो अभी एक रूमर्स है उसकी, तो वो आ रही है स्प्लिट स्क्रीन की। मतलब स्प्लिट स्क्रीन मतलब कि आप अपनी अपने फ़ोन को दो स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हैं। दो मतलब कि ऊपर जो इतना भाग होता है वो आप कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप या जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो कोई भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी स्क्रीन में मतलब कि आपके आपका अगर एक ये जो फोन है मेरा उसको आप दो भाग में डिवाइड कर, दो भाग में अलग अलग फोन चला सकते हो। ये स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आ रहा है, आएगा MIUI 9 में। दूसरी बात Android 7, और वो लाइट बेस्ड, बहुत ही लाइट बेस्ड। मतलब कि आप जो बोलते हो ना MIUI तो बहुत कचरा है जी, कोई खराब रैम मैनेजमेंट बहुत बकवास है, तो MIUI ने आपकी सुन ली है। और MIUI बहुत लाइट वेट रोम ला रहा है इस बार MIUI 9, तो जरूर से उसको डाउनलोड करके देख लेना। आई होप मेरा वीडियो, वैसे भी बात बहुत कम लंबा हो चुका है। चले दोस्तों, तो मैं अभी साइन अप होता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। चलो दोस्तों, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।